मेयर विधायक नारायण त्रिपाठी ने अपने वादे के मुताबिक 33 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अस्पताल को दिए। त्रिपाठी 27 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अस्पताल को और देंगे। कोरोना महामारी के इस दौर में चारों तरफ ऑक्सीजन को लेकर मची अफरा तफरी के बाद विधायक नारायण त्रिपाठी ने सिविल अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और आवश्यकता को महसूस करते हुए 60 कंस्ट्रक्टर देने की घोषणा भी की। त्रिपाठी ने अपने वादे के अनुसार 33 कंस्ट्रक्टर सौंपते हुए कहा कि शीघ्र ही 27 कंस्ट्रक्टर और अस्पताल को प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आम जनमानस के सहयोग से लगने वाले ऑक्सीजन प्लांट के लिए धन संग्रह का कार्य जारी है। भविष्य में कोई भी ऐसी बीमारी ईश्वर करे ना आए, और यदि आती भी है तो उसके लिए हम पहले से ही तैयार हैं। सिविल अस्पताल मेहर को आत्मनिर्भर अस्पताल बनाना ही मेरा लक्ष्य है। शुरू वाले दौर में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की इतनी दिक्कत, जरूरत और प्रॉब्लम महसूस हुई थी, जिसके चलते हम लोगों ने प्रयास किया और बड़े प्रयास के बाद मुंबई से ये सामान आज मुहैया मिल गया है, जिसमें अभी हमारे पास जो 15 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है वो 1 से 2 लोगों को ऑक्सीजन मिलेगी, और 18 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है उसमें सिंगल आदमी का है। 23 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रात को 10 बजे और आ जाएंगे जो गांव वाले कहलाएंगे। हमारा जो मैहर अस्पताल है, सभी लोगों के प्रयास से, मैहर वासियों के प्रयास से, हमारे सभी डॉक्टरों के प्रयास से, एसडीएम साहब रेमू विभाग के लोगों के प्रयास से, हेल्थ वर्कर्स के प्रयास से, ये मैहर अस्पताल अब आत्मनिर्भर अस्पताल बनेगा। ऑक्सीजन का प्लांट ज्यादा से ज्यादा 5 जून के अंदर बनकर तैयार हो जाएगा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।